स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। हालांकि मेरा तबीयत बहुत खराब है, एक्चुअली यहाँ पे इंजरी हो चुका है। बट दोस्तों आपने देखा है शिगाजी इंडस्ट्रीज का रिजल्ट, पूरा यूट्यूब रॉन्ग था, पूरा सोशल मीडिया रॉन्ग था। ऑपरेटर ने हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से गेम खेल रहा था, बट हमने झुका नहीं है क्योंकि मन में एक बिलीव था शिगाजी का रिजल्ट तो अच्छा आएगा, ऑल टाइम अच्छा आएगा। और दोस्तों आज शिगाजी इंडस्ट्रीज 5% जम किया है और रिजल्ट जो आए ना ऑल टाइम हाई आए हैं। हमारा पोर्टफोलियो रेड से अभी ग्रीन होना शुरू करेगा, मुझे लगता है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। हमने पूरा राइट था, पूरा राइट था। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर अभी अभी बैंडेज लगा के गए हैं। बट मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स में किस तरीके का रिजल्ट आया है और आगे का क्या प्लान हो सकता है, 1 साल का क्या प्लान हो सकता है, वो मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। डीप डिटेल्स में जाके वो एनालाइज करूंगा। तो चलिए उस रिजल्ट को और जो डिस्क्लोजर आया है वो शेयर करता हूं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे नीचे जाके अब हम देखेंगे। जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ डिस्क्लोजर है, कुछ अनाउंसमेंट है। तो ये जो बोर्ड मीटिंग आउटकम फॉर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होता है। ये है शिगाची का Q2 का रिजल्ट। दोस्तों आपने देखा है किस तरीके से 315 से घटाकर सारे FII सारे DII सेल करने के बाद भी हमने होल्ड किया था और मैंने आप लोगों को मोटिवेटेड किया था और शेयर प्राइस 250 में लेके आया था। क्यों लेके आया था? क्योंकि मेरे मन में एक एक ऐसे एनालाइजिंग पावर था और मैंने मेरा मुझे मेरा एक्चुअली बोल रहा था यार इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि जो डिस्क्लोज़र था, जो मैं जाके इसका साइड विजिट किया था, जो मैनेजमेंट के साथ बात किया था, उसके बाद मुझे पता चला इसका रिजल्ट गंदा नहीं आ सकता है। क्योंकि इसके पहले जो क्वार्टर में प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशन इस कंपनी ने लेके आया था। लुक एट दिस दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। देखिए ये जो 7723 आया है, अब उसके बाद देखिए पिछले जो क्वार्टर था उससे बेहतरीन है। अगले मतलब 2021 में जो रिजल्ट था उससे भी कई गुना इम्प्रूवमेंट लेके आया है कंपनी। अदर्स इनकम में भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर्स इनकम में मैं आपको बता दूं कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश है। उस कैश उन लोगों ने FD भी किया है, उससे भी यहाँ पे उन लोगों का अर्निंग आया है। दोस्तों देखिए 4600 यहाँ पे एक्सपेंस था, एक्सपेंस भी बड़ा है क्योंकि दोस्तों इसी इसी के साथ साथ जो रॉ मटेरियल्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, फाइनेंस कॉस्ट है, इसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिला है। बट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? प्रॉफिट देखेंगे। देखिए दोस्तों पहले 943 था, अब 1191 हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से जंप हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए लगातार इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट। और साथ में आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर और इसी क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी EPS में भी बहुत ही शानदार तरीके से जाम देखने को मिला है। कंपनी का देखिए और भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बढ़ोतरी हुआ है। पहले आप देखिए टोटल नॉन करेंट एसेट अभी बढ़ चुका है, मतलब कंपनी जो कैपेक्स की प्लान कर रहा था और जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा था वो यहाँ पे मतलब ऑन द प्रोसेस है। मतलब सारे चीज़ में आप देखेंगे ना, मैं सारे फैक्टर या भी डिटेल्स में नहीं बोलूँगा। मैं तीन चार पॉइंट है जो वाइटल है, जब भी आपको लगता है पूरा दुनिया आपका अगेंस्ट में है तो वो 5 पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब अगर इसी कंपनी के ऊपर जो बहुत ऊपर से नीचे गिरा है, एक जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था दोस्तों, कंपनी सबसे बड़े जो यहाँ पे सीमेंट कंपनी में एंट्री कर रहा है ग्रासिम, ग्रासिम से एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है। कंपनी यहाँ पे R&D सिस्टम में, R&D फैसिलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो केमिकल कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए सबसे अच्छे चीज़ होते हैं। कंपनी का जो सबसे अच्छे लगता है, जो मैं स्पेशली जाके बात करके आया, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब अब ट्रस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर, ये बहुत दिन से कंपनी को चला रहा है। कंपनी का बहुत सारे अप्स एंड डाउन सर्कल देखा है, तो आपको ये डाउन सर्कल में आपको कंपनी जो प्रॉब्लम फेस करता है उससे ऊपर कैसे लिया जाए, ये डीप डिटेल्स में ये लोग जानते हैं। स्पेशली मुझे अमित राज सिन्हा सर से बात करके बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मतलब मेरा एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो का बहुत सारे पोर्शन इसी कंपनी में लगा हुआ है। जब लोग मनी कंट्रोल
टीवी इंटरव्यू, सारे जगह भी इसी कंपनी में गाली दे रहा था, पूरा यूट्यूब में आप देखिए जितने सारे वीडियो लोगों ने बनाए हैं सब ने गाली दे रहा था। सिर्फ मेरे मन में एक बिलीव था ये कंपनी कुछ कर सकता है, इसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छे अच्छे देशों में है, ये अपने फील्ड में अच्छे तो है ही और दुनिया का डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके ये चीज़ मतलब अपना जो प्रोडक्ट है इसका दबदबा और प्रोडक्ट मिक्सिंग एक बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और R&D में ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा है। इनके पास जो मार्की क्लाइंट है ना इनमें अभी हाल ही हाल अच्छे तरीके से जंप देखने को मिल रहा है, इनका डिमांड बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं ये मार्की क्लाइंट ऊपर जाएगा और लगातार इसी कंपनी में मतलब शिगाची में आपको जंप देखने को मिल सकता है, नए नए कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है और जो नए कैपेक्स करने वाले हैं, ब्राउनफील्ड कैपेक्स करने वाले हैं, इन सारे जगह पे अपकमिंग समय में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आता है और इसीलिए हर वीडियो में मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट के साथ वही चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, प्लीज़ शेयर प्राइस को इतना भाव मत दीजिए, गिर रहा है गिरने दीजिए। रिटेल लोग अगले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट में राज करेगा और FIDII को अगर एंट्री करना ही है महंगे भाव में हम लोगों से खरीदेगा।